तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? जैसे भाई बहुत सीधी सी बात है कि सबसे पहले परिभाषा है, हम पंचायत और नगर पालिकाओं के आर्टिकल्स बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना, ये तो वो हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे 243A, 243D, 243I, 243K, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही म्यूनसिपैलिटीज़ में 243T, ठीक है, 243Y और 243ZA और 243ZD और 243ZE, ये आर्टिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। अब सीधी सीधी बात है, जैसे कोई भी चीज़ आए तो पंचायत पार्ट 9, तो पी से पार्ट और पी से नाइन, तो कैसे आप, चूंकि आर्टिकल्स में अल्फाबेट कितनी है इसमें पंचायत में, PANCHAYET, तो 9 से 9 को कनेक्ट कर दो तो पार्ट 9 हो गया, और शेड्यूल कौन सा होगा, 11 होगा, तो अनुसूची 11 हो जाएगी। सबसे पहले 243 में डेफिनेशन है, और ए में क्या है, ग्राम सभा है, तो ए ग्राम सभा, पंचायत होगी, परिभाषा होगी तो ग्राम सभा होगी, तो ए में ग्राम सभा है। बी, अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायतों का गठन करेंगे ना भाई, और गठन करेंगे तो उनकी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होगा, तो पहले याद रखना 243A ग्राम सभा, बी क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, और सी संरचना यानी कॉम्पोजिशन। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन फिर कॉम्पोजिशन, और ऐसे भी समझ लो हमारे यहाँ क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, संविधान की सर्वोच्चता है, तो पहले कौन आएगा, पहले कॉन्स्टिट्यूशन फिर कॉम्पोजिशन, बस यही ध्यान रखना। तो बी में गठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सी में क्या है आपका, कॉम्पोजिशन है, और हिंदी में ऐसे भी याद रख सकते हैं, सी संरचना, एक मिनट, तो याद हो रहा है, सबसे पहले कोई भी चीज हो, डेफिनेशन हुई, डेफिनेशन के बाद ए ग्राम सभा, बी 243B कॉन्स्टिट्यूशन, पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है यानी कि संगठन, सी ठीक संरचना, हिंदी के लिए तो बहुत आसान है, सी संरचना, सी इंग्लिश में कंपोजिशन यानी कि संरचना, और डी कैसे याद रखेंगे, रिजर्व्ड, तो डी में हो गया 243D में रिजर्व्ड। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे किन किन को रिजर्वेशन होगा अच्छे से समझना आप, सबसे पहले रिजर्वेशन फॉर वुमेन, तो जो 73rd अमेंडमेंट था उसने 33% रिजर्वेशन की बात की थी, और ये एक कंपलसरी प्रोविजन था। फिर रिजर्वेशन फॉर SC, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये भी कंपलसरी प्रोविजन था। रिजर्वेशन फॉर ST, ये भी कंपलसरी है, और ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर है, तो हो गया महिलाओं का, SC का और ST का, ये कैसे प्रोविजन है, कंपलसरी हैं, और इनके लिए स्थानों का आरक्षण है। अब यहीं पे बात आती है एक और चीज की, रिजर्वेशन में तो क्या सिर्फ सदस्यों का आरक्षण है या अध्यक्ष के लिए भी है, तो मेंबर्स के लिए भी है और चेयरमैन के लिए भी है, मतलब यहाँ पे जैसे अगर हम कहें पंचायत के जो सदस्य हैं, जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं, जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, मेंबर्स के लिए भी है, और इनके जो चेयरमैन या अध्यक्ष होंगे उनके लिए भी रिजर्वेशन होता है, और सारा रिजर्वेशन जो है वो किस में है, 243D में होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब आरक्षण मिल गया, तो डी के बाद ई, ई मतलब टेन्योर, टेन्योर को भी जैसे TENURE, ई अंत में आ रहा है, तो 243E में टेन्योर है, यानी इनका क्या है, पंचायतों की अवधि या कार्यकाल की बात की जाती है, आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा सामान्यतः पंचायतों का जो कार्यकाल है वो कितने साल का है, 5 ईयर का होता है, ठीक, अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन क्या 5 साल से पहले भी पंचायतों को समाप्त किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर कोई सीट जैसे 5-6 मंथ से कम का टाइम बचा है तो उसके फिर री इलेक्शन नहीं होंगे, वो फिर अगली चुनाव के साथ ही होते हैं, ठीक। इसके बाद ई के बाद एफ, टेन्योर के बाद एफ मतलब डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि निर्योग्यताएं, तो पंचायतों के सदस्यों को कैसे डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है, ये आपका 243F में बताया जाता है। और एफ के बाद क्या होता है, जी,
अब देखो पावर दे दो जी, जी को कैसे याद रखेंगे, पावर दे दो जी मतलब जी कौन से, सरकारी मतलब स्टेट गवर्नमेंट किसको शक्तियां दे दे, पंचायत को, तो पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, तो पंचायतों के क्या है शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व हैं। आप तो बस पावर से याद रख लो, पावर दे दो जी, तो जी में पावर हो गई। अब पावर जब आपको देते हैं तो सबसे पहले पंचायत का काम क्या है, टैक्स वसूलना, क्योंकि आप जब तक टैक्स नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो जैसे ही पावर देंगे आप क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, तो जी के बाद एच में क्या है, टैक्स। तो बेसिकली पावर टू इम्पोज टैक्स एंड फंड्स ऑफ द पंचायत, तो पंचायत के जो फंड होंगे और जो टैक्स लगाने की शक्ति होगी पंचायत पर, जैसे बहुत सिंपल समझो, आप किसी गांव में गए, कहीं मेला लग रहा है, ऐसे बोले नहीं तो ठेला लग रहा है, भाई बोलते हैं ना मेला ठेला, ठेला समझते हैं ना सब लोग, पहले तो ये बताओ, अच्छा मेला समझते हैं कि नहीं, हाँ समझते हैं, जैसे अभी भोपाल उत्सव मेला लगा हुआ है, तो ये जो मेला है अब यहाँ पे नगर निगम टैक्स वसूल रही है, गांव में होगा तो पंचायत टैक्स वसूलेगी, तो ये जो टैक्स इम्पोज करने की पावर है वो 243H में है, लिंक चली गई, अमित भेज देना, 243H में किसकी है, पंचायतों के टैक्स इम्पोज करने की, तो पावर टू इम्पोज टैक्स बाई एंड फंड्स ऑफ द पंचायत, तो पंचायत के जो फंड हैं, पंचायत की जो टैक्स इम्पोज करने की पावर है वो यहाँ पर है, लेकिन पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ थी, मतलब उसकी शक्तियाँ प्राधिकार उत्तरदायित्व, ये आपके 243 ठीक है जी में है, तो दोनों में अंतर ध्यान रखना, नहीं तो आपका मिक्स हो जाए। चलिए भाई हो गया यहाँ तक, तो ये हो गया जी, इसके बाद एच, ठीक, तो फंड वगैरह इम्पोज करेंगे। आई, आई में क्या बताया था, 243 आई, पैसा आई, इनकम, यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ये आपका 243 आई में है, अच्छे से ध्यान रखना। बेसिकली इसका काम क्या है, तो वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन की, पंचायतों की फाइनेंशियल स्थितियां हैं कैसी। अब यहां पे थोड़ा समझिए, ये हम कमीशंस के अंदर चले गए, दो तरीके के फाइनेंस कमीशन हम देखते हैं, एक फाइनेंस कमीशन कौन सा होता है, एक होता है सीधा फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, आर्टिकल 280 में होता है, कहां होता है, आर्टिकल 280 में, और इसका फॉर्मेशन कौन करता है, याद रखिएगा, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग करते हैं, और इनका नॉर्मल टेन्योर जो होता है वो 5 ईयर का होता है। सेम चीज़ स्टेट में लागू होती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, और स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करेंगे, अगर वहाँ प्रेसिडेंट हैं तो स्टेट में गवर्नर करेंगे, वहाँ 5 ईयर नॉर्मल टेन्योर है, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो यहाँ भी नॉर्मल टेन्योर कितना होगा, 5 ईयर का होगा। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो जो फाइनेंस कमीशन है वो प्रेसिडेंट को देगा, और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, तो गवर्नर को देगा, राज्य के राज्यपाल को देगा, ठीक। अब बात आती है कि इनके फंक्शन क्या होते हैं, तो बहुत सीधा सीधा समझो, जो फाइनेंस कमीशन है इंडिया का, उसका काम क्या है, तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों का बंटवारा, क्या, केंद्र तथा राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या हो रहा है, ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, पहली बात क्लियर कि केंद्र से और राज्य के बीच में किस तरीके से टैक्स डिवाइड होंगे, किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये हमेशा फाइनेंस कमीशन जो रिपोर्ट देते हैं उसी के आधार पर होता है, एक चीज़ हो गया। स्टेट की बात करें तो स्टेट फाइनेंस कमीशन किनके बीच में टैक्सों का डिवाइड करवाएगा, अब स्टेट में बहुत सीधी सी बात है, एक है स्टेट गवर्नमेंट और एक है पंचायत, और चलो एक और मान लें म्यूनसिपैलिटीज, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत,
तो राज्य सरकार और पंचायतों के मध्य करों का बंटवारा, और दूसरा ये भाई वाला क्या करेगा, ये बोलेगा भैया स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटीज के बीच में, तो ओवरऑल आई और बाई तो एक ही है, तो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के साथ में स्टेट गवर्नमेंट का जो करों का बंटवारा होगा ये आई और बाई में निर्धारित होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? बस एक्चुअली एग्जाम में सिर्फ इतना ही आता है। अब जैसे पूछ लेते हैं फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ठीक है, तो भारत का जो पहला फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे, केसी नियोगी। तो केसी नियोगी जो थे वो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन बनता है आगे से, अभी लेटेस्ट में करंट अफेयर में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, प्रेजेंट में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है और कौन सा बन गया है, 16। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 15th फाइनेंस कमीशन का तो टेन्योर चल रहा है और 16th फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन हो गया है, अभी उन्हें रिपोर्ट देनी है। तो अब करेंट अफेयर में क्या पूछ सकते हैं, चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन कौन है, ठीक है, तो श्री अरविंद पनगड़िया। तो 16th फाइनेंस कमीशन के जो करेंट चेयरमैन हैं, मतलब जो बना है जिनकी अध्यक्षता में चेयरमैनशिप में, वो है श्री अरविंद पनगड़िया। अब इससे थोड़ा सा पहले जाएंगे क्योंकि किसका टेन्योर चल रहा है, देखो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना क्योंकि करंट अफेयर है, ये पूछ लिया कि किसका चल रहा है, बच्चा जैसे ही करंट अफेयर अच्छे से पढ़ता है तो वो 16th लगा देगा और पहला ऑप्शन ही होगा अरविंद पनगड़िया। तो याद रखना चल कौन सा रहा है, 15th का। अब 15th फाइनेंस कमीशन के कौन, तो एनके सिंह, उससे पहले 14, तो 14 के बाईबी रेड्डी, ठीक है, फिर 13 के तो विजय केलकर। तो होता ये कि थोड़ा पीछे जा जाके भी क्वेश्चन पूछते हैं, समझ में आ रही ना, तो पहले कौन थे जल्दी बोलो फटाफट फटाफट, पहले के केसी नियोगी, एक 16th वाले के कौन, श्री अरविंद पनगड़िया, 15th एन के सिंह, 14th वाई बी रेड्डी, 13th विजय केलकर। और विजय केलकर कहाँ आए थे, अब इन्हीं विजय केलकर को आपको कनेक्ट करना है कि जो जीएसटी थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, तो जीएसटी है ना, सुना है कब से लागू हुआ जीएसटी, वैसे ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया। तो जीएसटी जो था, ठीक है, इसकी रिपोर्ट, मतलब जीएसटी लागू करने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, ये भी विजय केलकर थी। और विजय केलकर ही कौन है जो 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, बात समझ में आ रही है, तो 13th हो गया विजय केलकर, 14th वाई बी रेड्डी, 15th एन के सिंह और 16th श्री अरविंद पनगड़िया। ये आपको करंट के साथ में इन्हें ध्यान रखना होगा। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फाइनेंस कमीशन है, अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया, अरे सॉरी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन के, नॉर्मल टेन्योर 5 ईयर का होता है, रिपोर्ट किसको देंगे, गवर्नर को देंगे, और क्या फंक्शन है इनका, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, तो पंचायतों और नगर पालिका तथा राज्य सरकार के मध्य करों का बंटवारा हो गया। ये भी यही करेंगे क्योंकि जो बाई है एक्चुअली वो आई है, बस अंतर क्या है बाई में, स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, और 243 आई में स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत, ठीक है। अगर स्टेट क्वेश्चन आता है कि पंचायत के लिए वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, तो 243 आई, नगर पालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग, तो 243 बाई। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात। अब पैसा आता है बेटा, जब भी फंड आएगा तो हमेशा पैसे के बाद होती ऑडिट, ऑडिट मतलब संपरीक्षा, एक होती अकाउंटिंग, अकाउंट का मतलब क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर है अकेले, लेकिन ऑडिट में प्रॉपर तरीके से चीजें देखी जाती हैं। तो फिर क्या, किसकी स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन हो गया आई में, जे में, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, तो पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा,
कि भैया पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। अब जैसे सबसे अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ सीएजी से कनेक्ट करके, सीएजी क्या करते हैं, अकाउंटिंग या ऑडिटिंग? सीएजी, सीएजी सुना है पहले, तो फुल फॉर्म बताओ सीएजी का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल बताओ किस आर्टिकल में, 148 आर्टिकल में सीएजी है, 148 से 151 तक है सीएजी। अब थोड़ा अंदर घुस रहे हैं हम, पहले तो आर्टिकल 148 आर्टिकल में क्या है, ऑफिस ऑफ द सीएजी, सीएजी का पद है, 149 में क्या है, फंक्शन एंड पावर एंड फंक्शन है 149 आर्टिकल्स में। देखो सीएजी हैं तो कुछ कार्य करेंगे, कुछ शक्तियां मिलेंगी, तो 149 में, 150 में, क्या बताएंगे, एक बार रिपीट करिए। अच्छा ड्राफ्ट है, प्रारूप है, ठीक है, और 151 ये भी आ चुका है। तो आपको देखो एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, अच्छे से दिमाग में रखना है, जितने भी कमीशंस हैं, क्वेश्चन तो आने ही है, तो सबकी जो रिपोर्ट है वो उनके लास्ट आर्टिकल में ही होती है। अब सीएजी कहां से कहां तक था, 148 से 151 तक, और 148 से 151 तक सीएजी है, तो लास्ट आर्टिकल क्या है, 151। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे प्रीलिम्स में, रिपोर्ट ऑफ द सीएजी, सीएजी का प्रतिवेदन 151 में, सीएजी की पावर्स 149 में, और सीएजी है कहां पर, 148 में। तो जो अकाउंट की अब हो क्या रहा है, ऑडिटिंग जो हो रही है पंचायत का, ऑडिट जो होगा वो होगा 243J में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑडिट कौन करता है, सीएजी करता है। अब यहां पे क्या ध्यान रखना है, तो केंद्र में संचित निधि होती है, राज्य में भी संचित निधि होती है। पहले तो संचित निधि कितने लोग समझते हैं, कॉन्सोलिडेट फंड, सुनिए नहीं फिर भी ट्राई करो, कहां होगी, चलो आर्टिकल बताओ, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, पूछे भारत की संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में, भारत की संचित निधि 266, क्वेश्चन बदल दिया, बताएं अगला क्वेश्चन, राज्य की संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, भाई एक संघ की होगी, केंद्र की, एक राज्य की होगी, तो भारत की संचित निधि 266 में, सही बात है। राज्य की जो संचित निधि होती है वो किस आर्टिकल में होती है, बताइए, अच्छा 266 में होगी या नहीं, पता है लोग क्या करते हैं, जैसे जिसने थोड़ा पढ़ा, भारत की संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266, अपनी मर्जी से वो एक कदम आगे बढ़ के बोले राज्य की संचित निधि 267, पहला ही ऑप्शन होता है जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 266 के ही अंतर्गत है ये, भारत की संचित निधि, समझ रहे हो ना, बात समझ पा रहे हो, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि, तब भी 266। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस सब क्लॉज बदलते हैं, अभी अपन को उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो पैसा, अब मुझे बताओ पंचायत में जो पैसा खर्च हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, भाई देखो एक चीज़ पहले अच्छे समझ लो, पैसा जितना भी होगा, जो भी मनी है, वो या तो केंद्र की संचित निधि यानी भारत की संचित निधि में सबसे पहले तो, और या फिर दूसरे नंबर पर कहाँ पर है, राज्य की संचित निधि में, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में, तो दोनों में से कहीं से जाएगा। अब चूंकि पंचायतें राज्य का हिस्सा है, आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम किस सूची का है, किस लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट का विषय है, और जब ये स्टेट लिस्ट का विषय है तो यहाँ पर पैसा राज्य की संचित निधि से आएगा। अब जो स्टेट की कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा आएगा उसकी ऑडिट कौन करेगा, अब बताओ क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया पहले तो, कि ये जो पैसा खर्च हो रहा है, जो भी ऑडिट होगा, जैसे ऐसे सीधा पूछूं मैं, ऑडिट ऑफ द, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, पंचायतों के लेखाओं की समपरीक्षा कौन करता है बेटा, सीएजी करता है, सही से बताना,
पंचायतों का कौन करेगा, बस मेरा सीधा प्रश्न है। कौन करना चाहिए? अच्छा, अकाउंटेंट जनरल या सीएजी? कंफ्यूज कर दें थोड़ा सा। चलो होमवर्क देते हैं, आप बताना, आप ये ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ पंचायत, तो इसका जो होगा, दो क्वेश्चन सुन लेना अच्छे से। क्वेश्चन क्या है? एक तो इनकी ऑडिट कौन करता है, पहला, और दूसरा क्वेश्चन है, पहले ये बताना कि कौन करता है, फिर मैं पूछूंगा, अभी पूछ लेता हूँ कि ये रिपोर्ट किसको देंगे, जो भी करेगा वो। अरे होमवर्क है ना, होमवर्क समझते हैं ना आप लोग, गृह कार्य जो गृह पे किया जाता है, बताइएगा। ठीक, तो यहाँ आ गए, तो ऑडिट की बात की हमने, थोड़ा सा आर्टिकल्स याद रखिए, मैंने सीएजी पे गया था मैं ऑडिट से, तो नॉर्मली जो भारत सरकार की संचित निधि या राज्य की संचित निधि जो होती है, कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, उससे जो भी पैसा खर्च होता है उसकी ऑडिटिंग सीएजी करते हैं। अगर सीएजी करेंगे तो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, अगर वो सेंट्रल से संबंधित है तो रिपोर्ट राष्ट्रपति को, और स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है तो रिपोर्ट गवर्नर को देते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स का स्टेट क्वेश्चन था, सीएपीएफ के एग्जाम में नहीं, सीएपीएफ नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर के एग्जाम में पूछा गया था ईपीएफओ में, कि सीएजी राज्य सरकार से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, गलत। सीएजी स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित रिपोर्ट गवर्नर को देगा, और गवर्नर इसे कहाँ रखवाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य विधानमंडल में। और अगर केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट होगी तो सीएजी किसे देगा, प्रेसिडेंट को देगा, और प्रेसिडेंट कहाँ रखवाएंगे, पार्लियामेंट में। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, जे हो गया, जे के बाद के क्या कहा था, इलेक्शन, तो पंचायतों का निर्वाचन। अब देखो, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, जैसे यहाँ के है तो यहाँ जेड है, तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज दोनों के इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है, इसकी नियुक्ति कौन करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, तो इसकी अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर। देखो, यहाँ से आपको इलेक्शन कमीशन पे भी जा सकते हैं, कि जो भारत का निर्वाचन है, देखो बहुत सारी डायमेंशन ले रहे हैं, थोड़ा धैर्य से सुनना, रिपीटेशन मोड में आप वीडियो देख लेना अगर आपको ऐसा लगे कि पीछे छूट रहे हैं, तो अभी भी पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ दो ही इलेक्शन कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, किस किस के, एक पंचायत और एक म्यूनसिपैलिटी। पहली बात क्लियर। अब हम आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, इलेक्शन कमीशन पर। देखो, जब तक स्टेट ना लिखें, आप मानना इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं लिखते हैं कई बार भारत निर्वाचन आयोग, सीधा लिखते हैं इलेक्शन कमीशन, तो मानना वो केंद्र वाला है। और जब बोले इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट या स्टेट इलेक्शन कमीशन, तभी मानना वो राज्य का है। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयोग, वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन कराएगा, पंचायत और नगर पालिकाओं के, और बाकी के जो इलेक्शन होते हैं वो भारत निर्वाचन आयोग कराता है। जैसे ऊपर से चलें, बिल्कुल शुरू से, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट के भी वही, लोकसभा राज्यसभा के, और इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, यानी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके जो इलेक्शन कराएगा वो भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, और पंचायत और नगर पालिकाओं के इलेक्शन कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य निर्वाचन आयोग। इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसकी नियुक्ति करते हैं गवर्नर। और वहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया 243 के, और की के पैरेलल में जेड ए। पंचायत का नॉर्मल टेन्योर कितना था? ठीक, लेकिन उससे पहले भी इन्हें डिसॉल्व किया जा सकता है, सेम नगर पालिकाओं को भी किया जा सकता है। के बाद एल, एल को कनेक्ट कर लो, एल मतलब लागू होना। तो कहाँ लागू होना? एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अब जैसे क्वेश्चन फंसा दें, दिल्ली में पंचायत किस आर्टिकल में, तो दिल्ली की पंचायत कहाँ होगी, एल में होगी। समझ में आ रही ना बात? अब उसके प्रोविजन होंगे सब ऐसे ही, लेकिन अगर आप बोले कि संघ राज्य क्षेत्र,
तो दिल्ली जैसे राज्यों में पंचायतों को लागू कराना है तो किस आर्टिकल में, 73वें संशोधन के, तो 243L में। और जो चीज 243L में थी वो यहाँ 243ZB में, मतलब सीधी सी बात है कि दिल्ली है, पांडिचेरी, अगर ऐसे यूनियन टेरिटरीज जो हैं इनमें पंचायतों को लागू कराना है तो एल में, L4 लागू, बस ऐसे समझ लो, एनफोर्समेंट एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, और ZB में होगा। अब L के बाद M, तो भैया मना कर दो, हर जगह पंचायत तो नहीं होती, तो 243M, M में क्या कर रहे हैं, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, मतलब कुछ निश्चित क्षेत्र हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती, तो वहां जब ZB हो गया था तो ZC क्या होगा आपका, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों, तो पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया। तो 243M कैसे याद रखोगे, M से मना किया कि भैया पंचायत नहीं चाहिए, और वहां ZC से, ठीक है ना, तो जस्सी नहीं चाहिए भैया पंचायत, तो ZC हो जाएगा, और M के बाद क्या होगा, 243N, ठीक है। N मतलब क्या, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। तो जो भी लॉ चले आ रहे थे, जो विधियां थी, जो रूल्स रेगुलेशन चले आ रहे थे, वो आगे कंटिन्यू रहेंगे एन में। और ओ को मतलब होता है ना जीरो, तो भैया जो भी आपकी जुडिशरी है, तो वॉर टू इंटरफेरेंस की बात की जा रही है, क्या वॉर टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, शब्दों पे ध्यान देना कि जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं उन पर न्यायालय क्या नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी, कौन से मामले, निर्वाचन संबंधी मामले, तो वॉर टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। अभी तक चीजें एक जैसी चली आ रही थी ZC तक, अब ZD में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या थी, जिला योजना समिति, याद है, तो कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, तो डी से डिस्ट्रिक्ट, वो डी कौन सा था, रिजर्व्ड वाला, वो 243D था। ये देखो जेड से हम क्या मानते हैं, जेड से जिला, और डी से डिस्ट्रिक्ट, बोले जिला डिस्ट्रिक्ट एक ही बात है, तो बेसिकली क्या है, ZD, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए या जिले के लिए प्लानिंग करनी है, तो क्या है, कमिटी फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, जिला योजना के लिए समिति, और ई में, ठीक है, तो मेट्रो, ME, तो कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, महानगर के लिए योजना बनाई गई है, तो महानगर योजना के लिए समिति और जिला योजना के लिए समिति ZD में। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट, लेकिन ये किस किस अमेंडमेंट से आएंगे ये दोनों, 24 अमेंडमेंट से आएंगे, ये ध्यान रखना, 73rd में इनके लिए कोई बात। देखो महानगर में कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि दिमाग में ये आता है कि यार महानगर होंगे ही कहाँ, नगरों में, अर्बन एरियाज में, और अर्बन लोकल बॉडीज आपकी म्यूनसिपैलिटीज हैं, तो वो तो कनेक्ट होता है, लेकिन जिला योजना समिति क्या होती, पंचायतों, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इनके लिए योजना बनाती है ये, तो दिमाग में अगर थोड़ा अच्छा पड़ा होता है ना तो और जल्दी गलत होता है, बोले हाँ यार पंचायत के लिए योजना बना रही, तो कहाँ होगी, आप पंचायत के साथ रख देते, पंचायत के लिए प्लान बनाएगी, लेकिन ये है किससे, 74 अमेंडमेंट से 243ZD में आई है, ठीक है, क्लियर हो गया, फिर ZE हो गया। अब F, जो N था बिल्कुल वो F है, कि जो भी लॉ चले आ रहे थे, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड म्यूनसिपैलिटीज, इसका मतलब क्या होता है, जैसे समझो, पहले आप मुझे बताओ कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, अरे 73वां संविधान संशोधन, 24 अप्रैल 1993 को, अब 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई 73rd अमेंडमेंट। अब इससे पहले मान लो 70 में, 1970 में, सॉरी 93 से लागू हुई ना, 70 में क्यों जा रहे हैं, मान लो 1990 में इलेक्शन हुए थे, 1990 में, अब पंचायत को क्या 5 साल हो गए थे उस समय, नहीं हुए, 3 ही साल हुए 93 तक। अब ये नई बात आ गई, नया सिस्टम लागू हो गया, तो अब जो अगले 2 साल का टेन्यूर उनका बचा हुआ है, तो वो कंटिन्यू रह सकता है, इसके कहने का मतलब ये, बात समझ में आ रही। अब आपको लग रहा होगा कि यार फिर बनाया क्यों अगर ऐसे ही करना है, तो बेटा देखो इन दोनों से 73 में इसकी बात करें, एक को पकड़ लेते हैं, तो 73rd अमेंडमेंट से पंचायत को कौन सा क्या लाया गया, इससे इनको दिया गया संवैधानिक दर्जा, कौन
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायत, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले पंचायत थी, देखिए मैं बैक फ्लैश में अगर आपको बताऊं तो 2 अक्टूबर 1959 को, सुना है आपने 2 अक्टूबर गांधी जयंती, तो 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। कहाँ? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान जिला नागौर, जगह बगदरा। तो यहाँ पर कौन सी व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। अब जब 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर के बगदरा विलेज में पंचायती राज व्यवस्था और बोल बोले तो थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम लागू हो गया ना भाई। तो जब थ्री टायर सिस्टम और पंचायत लागू हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, चल रहा है मतलब बाकी राज्यों में भी, तो जो चीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू चलाने की बात की गई थी। और जैसे ही उनका टेन्योर 5 साल का पूरा हो जाएगा चीज़ें बदल जाएंगी। बात समझ में आई इसमें कि विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना या विद्यमान विधियों और पंचायतों का, तो कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत का मतलब क्या है, क्लियर हो गया? जेड एफ के बाद जेड जी, तो वही जो यहां ओ में था वो यहां जेड जी में है, ओ जी। तो क्या कहेंगे जी कि भैया पंचायत के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, तो वॉर टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, कि भैया कोई हस्तक्षेप मत करना आप कौन से मामलों में, ठीक। तो बिल्कुल सेम टू सेम चल रही है नगर पालिकाओं की स्थिति। देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एनफोर्समेंट 1 जून, 1 जून से ये लागू हो गया। इसमें आर्टिकल 243P से जेड जी तक, जैसे यहाँ 243 में परिभाषा थी यहाँ पी में होगी परिभाषा, तो ये तो अच्छी पी परिभाषा, और पी के बाद क्यू, तो यहाँ क्या बन रहा था पहले कॉन्स्टिट्यूशन था, तो यहाँ होगा किसका कॉन्स्टिट्यूशन, म्यूनसिपैलिटीज का। फिर क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, कॉम्पोजिशन, तो आर आ जाएगा। और बस ये जो चेंज है बस आपको ये ध्यान रखना है, तो पी में परिभाषा डेफिनेशन, क्यू में पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन गठन या संगठन, और आर में कॉम्पोजिशन, ठीक है, और एस में तो जो वार्ड कमिटी होती हैं उनके गठन और संरचना, और कुछ नहीं हो तो क्यू और आर को मिला दो तो एस हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड कमिटी, तो जो वार्ड की कमिटी है उनका कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन है 243S में, ठीक, समझ में आ रही है बात। इसके बाद टी, तो हाँ जी बोलिए, अच्छा दिल्ली में पंचायत नहीं है, किसने कहा आपसे ऐसा है, आपने पढ़ा, ठीक है, तो सुधार लीजिएगा, दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था है, थोड़ा ध्यान रखिएगा अच्छे से, कोई बात नहीं पढ़ लीजिएगा। देखिए समझिए आप अच्छे से, दिल्ली में बाकायदा लोकल बॉडीज काम करती हैं, बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में नहीं है तो फिर दिल्ली में नगर निगम कहां से आया, दिल्ली में नगर निगम है या नहीं है, नेट पर सर्च करो दिल्ली नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, अरे सर्च कर लो उसमें क्या बुराई है, गूगल है आपके पास, अरे है कि नहीं दिल्ली में नगर निगम, आप तो हाँ या ना हो जवाब दो बस, कुछ तो बोलिए मैडम, है नहीं दिल्ली नगर निगम नहीं है, अरे गूगल करो उसमें क्या है, किसी चीज को देख लेते हैं अपन बढ़िया से, देख लो देख लो, हाँ बोलिए आप तो बोलते जाइए। मैडम अभी तो शुरू किया है, अभी अभी हमने पंचायत खत्म नहीं की, अभी तो हमने अभी क्लास शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या बोले थे कि हम सबसे पहले आर्टिकल्स को अच्छे से समझते हैं,
क्योंकि आर्टिकल से सीधे क्वेश्चंस आते हैं पंचायत पे। अभी पंचायत के अंदर कहाँ गए हम, समझ रहे हैं ना आप बात को? जो आप सोच रहे हैं वो अभी आएगा आगे, परेशान मत होइए। अभी हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पढ़ाई आपको? नहीं पढ़ाई ना, बस इतना सा बताया कि भाई थ्री टायर सिस्टम वो पंचायत होता है जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत होते हैं। अब ग्राम पंचायत कैसे होती है, उसकी बैठकें कैसी होती हैं, उसके चेयरमैन कौन होते हैं, इवन उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कौन होते हैं, ये हम बात करेंगे, ठीक है? परेशान मत होइए उसके लिए। क्लियर हो गया आपको? अभी पंचायत बहुत है, पंचायत पे पंचायत बहुत सारी करनी होती है। पंचायत तो मतलब ऐसे मानिए कि आउट टॉपिक है ये। समझ में आ रही है या फिर दोबारा से बताऊं मैं आपको? मैडम आवाज आ रही है? ठीक है, परेशान नहीं है, अभी तो शुरू किया है, अभी तो सिर्फ हम आर्टिकल्स पे शुरू हुए। अभी आप पंचायत इतना आसान नहीं है आपको, बिल्कुल पंचायत को ऐसे हल्के में नहीं लीजिए। ये तो प्राइमरी लेवल है पंचायत का, क्योंकि प्राइमरी गड़बड़ कर देते हैं लोग तो सेकेंडरी पे बात ही नहीं आ पाती। तो ये जो एस है, तो पी में क्या था, डेफिनेशन थी, क्यू में कॉन्स्टिट्यूशन, आर में कॉम्पोजिशन यानी कि संरचना। तो एस में कॉन्स्टिट्यूशन और कॉम्पोजिशन है वार्ड कमिटीज का। अब ये वार्ड कमिटीज बन गई, इसके बाद टी आता है, तो 243 टी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अभी मैंने आपको रिजर्वेशन पे दो बात बताई थी, एक है किसका, एससी का रिजर्वेशन, एसटी का रिजर्वेशन, वुमेन का रिजर्वेशन। ये कैसे थे, कंपलसरी प्रोविजन थे, अनिवार्य थे, जबकि अब महिलाओं में जो था वो 33% कंपलसरी था, लेकिन 50% वॉलेंट्री या ऐच्छिक था, और ओबीसी रिजर्वेशन ये भी वॉलेंट्री था। इसके अलावा केवल मेंबर्स के लिए नहीं, यहाँ पे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, तीनों के आरक्षण की बात यहाँ पर की जाएगी। किसमें, 243 टी में, और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये म्यूनसिपैलिटीज या नगर पालिकाओं के लिए। टी के बाद यू, तो जो ई में था टेन्योर, ऐसे ही यू में आपका टेन्योर। अच्छी बात, ये टेन्योर, समझ रहे हैं ना, तो टेन्योर या ड्यूरेशन, तो यू में ड्यूरेशन है और यू के बाद भी, तो जैसे ई के बाद एफ में डिस्क्वालिफिकेशन थी, यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन भी में आ जाएंगी। क्लियर? डब्लू पावर, याद करूं वहां क्या कह रहे थे, पावर दे दो जी। तो 243 जी में पंचायतों के लिए पावर थी, और डब्लू तो बढ़िया है, पावर में वैसे भी डब्लू आता है ये, तो 243 पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनकी जो पावर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है म्यूनसिपैलिटीज की, यहां पर है। अब यहां पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, तो जो पावर्स हैं, अथॉरिटी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो पंचायत जो है वो कितने सब्जेक्ट या मैटर पर काम कर सकती हैं, कितने विषय होते हैं पंचायत के, 29 सब्जेक्ट, और म्यूनसिपैलिटीज जो होती हैं उनके पास कितने मैटर हैं, 18 मैटर्स या सब्जेक्ट हैं। तो पंचायतें 29 मैटर्स पर, और नगर पालिकाएं जो हैं वो 18 मैटर पर या सब्जेक्ट पर काम कर सकती। 1 मिनट आप रुकिए। हाँ, तो हम जो बता रहे हैं आपको, यहाँ पर जो पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचायत को कितने सब्जेक्ट या मैटर पर, कितने विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। तो पंचायत 29 विषय हैं पंचायत के अंतर्गत, 29 मैटर्स हैं। इसी को अगर हम कनेक्ट करें तो शेड्यूल 11, देखो समझना, बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल डायमेंशन में हैं। हमारी जो अनुसूची कौन सी है, 11, तो शेड्यूल 11 क्या है, शेड्यूल 11 में यही है, एज इट इज अगर आप देखेंगे तो यही लिखा है वहां पर, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। आप अच्छे से इस चीज को पढ़ लीजिए, अगर आप शेड्यूल पढ़े होंगे तो आपको ये चीज पता होगी। और शेड्यूल 12 में नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात करते हैं, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज। तो यहां पर हम देखें आर्टिकल 22, तो 243 जी में है पंचायत को, यानी कितने सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट, और म्यूनसिपैलिटीज की बात करें तो 18 सब्जेक्ट पर ये कानून बना सकती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ गया है आयोग,
चाहे एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, क्या करने लगा वो? अब वो पूछता है कौन सा कार पंचायत का नहीं है। हालांकि देखो अभी तक पता है क्या है, जितने क्वेश्चन आए हैं तो उसकी तो ट्रिक बता देता हूँ, बाकी दुनियादारी छोड़ो, जितने सब्जेक्ट दिए होते हैं उसमें और ऑल ऑप्शन होता है तो आंसर ऑल ही होता है, बाकी सब ठीक है। क्या होता है आंसर? ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो लॉजिक है जिसको आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। अमित भेज देना। पहली चीज़ क्या समझ में आई, ज़्यादातर जो पंचायत के पूछा जाता है कौन कौन से कार्य पंचायत के हैं, तीन दे दिए, चौथे में ऑल दे दिए तो ऑल हो गया। तो दो तीन बार जो क्वेश्चन आया वो ऑल ऑफ द अबव या बोथ, तो ऑल और बोथ इज ऑलवेज राइट एमपीपीएससी के लिए। तो इतनी तो बात आपकी कहाँ हो जाती है कि भाई अगर हमने नहीं पढ़ा है मान लो और हमें कुछ नहीं पता तो भी हम कैसे आंसर कर सकते हैं, किसके आधार पर? ऑप्शंस के आधार पर आप लगा दो, माइनस मार्किंग तो है नहीं एमबीपीएससी में, तो आपके पास एक ऑप्शन तो होता ही है, लगा दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके कार्य पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये चीज आपके मीन्स में हो सकता है बाई चांस आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले, पंचायतों के कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, अब अगर आपसे यहाँ ठीक है ना, समझ में आ रही ना, फंक्शन ऑफ पंचायत अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया तो उस स्थिति में तो आप तुक्का नहीं मार सकते ना। लेकिन अच्छी बात क्या था, क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो सीधी सीधी दी होती हैं। सीधी सीधी दी होती है का मतलब क्या है भाई? एक बात बताओ, सफाई कौन कराएगा ग्राम पंचायत में? पंचायत कराएगी। लाइट कौन लगवाएगा? मेले कौन लगा रहा था? ठेले कौन लगवा रहा था? सही बोले तो कर कौन वसूलेगा? ठीक है, तो आपको जो बहुत अब यहाँ बोले प्राइमरी हेल्थ सेंटर कौन बनवाएगा? बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें कुछ लॉजिक नहीं है, आपको जैसे ही आप पढ़ोगे हाँ यार देखो इसको रटनी, आप 29 विषय रट तो सकते नहीं है, तो उसका तरीका क्या है, आप थोड़ा दिमाग खोल के, भले जैसे जो लोग शहरों में रहते हैं नहीं देखा गाँव, लेकिन फिर भी इतना तो समझ में आता है ना कि पंचायत ये काम करती होगी गाँव में, तो वो बहुत आसानी से हम 29 के 29 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा एक बार आंखों से चीज़ें गुजर जाएंगी तो हमारे लिए आसान रहेगा उत्तर देना। और यहाँ पर आपके कितनी है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए? 18। यहाँ से एक चीज़ जो मिक्स होती है आर्टिकल वाइज, पंचायत के जो आर्टिकल हैं 73rd अमेंडमेंट में वो कितने हैं? 243 से शुरू हुआ था पंचायत और कहाँ तक था? 243 ओ तक। तो अगर आप 243 एक हो गया आर्टिकल और ए से ओ तक 15 होते तो 15 + 1 = 16, यानी कि पंचायतों में टोटल आर्टिकल कितने हैं? 16 है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो म्यूनसिपैलिटीज कहाँ से शुरू हो रही थी? क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? देखो ऐसे समझो, हम क्या देख रहे थे पंचायत में, पंचायत जो थी वो 243 आर्टिकल से शुरू हुई और कहाँ तक गई? 243 ओ तक। तो एक तो हो गया आर्टिकल 243, अब ए बी सी डी ई एफ जी, तो ऐसे ए से ओ तक काउंट करते हैं तो ये आर्टिकल कितने होते हैं? 15। और एक ये हो गया तो टोटल आर्टिकल पंचायत में कितने आर्टिकल या अनुच्छेद हैं? तो यहाँ पे आर्टिकल हैं 16। अब म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें नगर पालिका, तो नगर पालिका थी कहाँ से? 243 पी से पैड जी तक। ठीक, अब अगर हम ए बी सी डी देखते हैं ना, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी डी में? 26 ही होते हैं, तो कितने हट गए? 15 हटे, तो कितने बचे? 11। यानी कि पी से लेके जेड तक तो हो गए कितने? 11। सीधी बात है कि पी से जेड तक 11 होंगे। अब जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, जेड एफ, जेड जी, तो ये कितने होते हैं? अरे जेड ए से जी तक कितना होता है? 7 होते हैं अल्फ़ाबेट, तो 11 और ये 7, तो टोटल कितने हो गए? तो यानी कि आपकी जो म्यूनसिपैलिटीज या नगर पालिका है उसमें कुल आर्टिकल या अनुच्छेद कितने होंगे? अब इसको ऐसे कनेक्ट कर दो कि पंचायत के पास जितने कार्य हैं, जितने सब्जेक्ट या मैटर हैं पंचायत पर, सॉरी नगर पालिकाओं के पास जितने कार्य थे, यानी 18 फंक्शन थे, 18 थे, और नगर पालिकाओं के पास आर्टिकल भी कितनी है म्यूनसिपैलिटीज़ पर? 18 ही आर्टिकल्स हैं, याद हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर भी आर्टिकल, अब जैसे ये जो पॉइंट था
ये हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है आपसे यही पूछे, ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पंचायत, वो पूछ सकता है एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज। तो इस स्थिति में मतलब हम ओवरऑल मीन्स को भी लेके चलेंगे, जिससे भविष्य में कभी पूछ भी ले, क्योंकि पता है ये दोनों क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ इनके कार्यों से, ये प्रीलिम्स में पूछे हैं उसने। अब ज़्यादातर लोग इसके फंक्शंस को पढ़ते ही नहीं हैं, बट पता क्या होता है, सामान्य सी चीज़ें होती हैं तो वो एलिमिनेट हो जाती हैं, या समझ में आती हैं कि हाँ यार ये तो करती ही होगी पंचायत, तो वो बन सबसे गए थे, मतलब उसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा कन्फ्यूजन, मतलब अगर म्यूनसिपैलिटीज़ वाला एकाध कार्य उसमें घुसा दिया और आप अगर प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि गलत भी हो जाए, बट अभी तक जो आए हैं वो ऑल और बोथ वाले ही सही होते हैं। और वैसे ही MPPSC में अगर ऑल आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ऑल सही होता है, ये दो तीन क्वेश्चन में तो लागू हो ही जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक W हो गया। X में आपको पता ही है टैक्स, जैसे यहाँ क्या था, H में टैक्स था, यहाँ X, तो इम्पोज करेगी म्यूनसिपैलिटीज टैक्स करेगी। और एक्स के बाद वाई, वाई में क्या था, स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर म्यूनसिपैलिटीज, और वाई के बाद जेड। अब फाइनेंस पैसा आया था तो क्या कराया था, ऑडिट, तो जेड ए में क्या होगा, जेड में क्या हो जाएगा, ऑडिट हो जाएगा, और जेड ए में फिर से जैसे यहाँ के में था इलेक्शन कमीशन, जेड ए में इलेक्शन कमीशन, और बनाएगा कौन, गवर्नर। और जेड बी में जैसे यहाँ लागू हो रहा था एल यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे भी लागू हो जाएगा यूनियन टेरिटरी में, और यहाँ पे एम था मना कर रहे थे, तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ भी मना कर देंगे कि भाई पंचायत नगर पालिकाएँ नहीं होंगी। और यहाँ पर जब हम जाएंगे जेड डी में, तो कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की बात करेंगे, याद है, और जेड ई में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात करेंगे, और इसके बाद जेड एफ, तो जो जैसे यहाँ पंचायत चली आ रही थी कहाँ पे, अरे ओके जस्ट पहले एन है ना, ठीक है, तो नाना नाना ना करो भैया, चलने दो जेड एफ में भाई, कंटिन्यू रखो। और ओ में तो वॉर टू इंटरफेरेंस था, तो न्यायालय यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा इलेक्ट्रल मैटर में, यहाँ पे जो लास्ट आर्टिकल है वो जेड जी है, तो भैया जिज्जी मत बोलो कुछ, जिज्जी से मना कर रहे हैं, जिज्जी कौन, न्यायालय वाली जिज्जी। तो ऐसे आप याद रखना, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, तो वॉर टू इंटरफेरेंस बाई द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई समस्या, एक बार शुरू से शुरू करें। 243 सोचो और बोलो, कोई नहीं भूल जाओगे ना, कोई बात नहीं। 243 सबसे पहले क्या, परिभाषा किसके लिए, पंचायत के लिए। ए, ए क्या थी, ग्राम सभा थी। बी, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि गठन, पक्का। सी, सी संरचना यानी कि कंपोजिशन। और डी, रिजर्व्ड, तो आरक्षण दे दिया था 243 डी में। डी के बाद ई, टेन्योर, याद आ रहा है, टेन्योर ई, तो कार्यकाल 5 साल का था, इससे पहले हटा सकते हैं, रिमेनिंग टेन्योर के लिए इलेक्शन हो सकते हैं, 6 महीने से कम बचेंगे तो पूरे इलेक्शन होंगे, ठीक है। इसके बाद ई के बाद एफ, डिस्क्वालीफाई। एफ के बाद जी, पावर दे दो जी, तो किसको पावर दे रहे हैं, पंचायत को। और पावर्स जो थी कितनी थी, कितने फंक्शन, 29 मैटर्स या सब्जेक्ट पर। और ये किस शेड्यूल में मेंशन है, शेड्यूल 11 अनुसूची 11 में, हो गया। जी के बाद एच, टैक्स, टैक्स इम्पोज करो। एच के बाद आई, स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो राज्य वित्त आयोग, हाँ चलो बढ़िया। आई के बाद जे, पैसा आया है तो ऑडिट कराएंगे, ऑडिट करेंगे ना, पैसा आ गया जे, ऑडिट करो जे। के, इलेक्शन, तो 243 के में इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। के बाद क्या, एल, एल में लागू होना, कहाँ लागू करा रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज में। एम, कुछ क्षेत्रों में मना कर दो, मना कर रहे हैं, नहीं लागू करेंगे। एम, एन कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है, जैसे पहले से जो बनी हुई है वो कंटिन्यूएंस करेंगी। ओ, वॉर टू इंटरफेरेंस, मतलब ठीक है, इन इलेक्टोरल मैटर्स, तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन, तो ये तो हो जाता है आपका पंचायत का, ठीक है। पंचायत किससे आई थी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992,
ठीक है, तो 73वां संशोधन 1992 का था, कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से, और मध्य प्रदेश इसे लागू करने वाला पहला राज्य था। 74 अमेंडमेंट से क्या आया? म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट कब का था? 1992 का। कब से लागू हुआ? 1 जून से। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और 1 जून को म्यूनिसिपैलिटी डे हो गया। चलो इसके बाद 243P परिभाषा, क्यू कॉन्स्टिट्यूशन, आर कॉम्पोजिशन, एस बॉर्ड समिति का कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन, टी टेन्योर, क्यों क्या है? टी रिजर्वेशन, यू टेन्योर कार्यकाल, भी डिस्क्वालिफिकेशन निर्योग्यताएं, डब्लू पावर दे दो भैया, ठीक है। तो पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी पावर? 18 पावर, 18 ही आर्टिकल। फिर डब्ल्यू के बाद एक्स टैक्स, तो नगर पालिकाएं टैक्स लगाएंगी। एक्स के बाद वाई, तो क्या? स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो आई था वही वाई है। वाई के बाद जेड, ऑडिट कराओ, जेड ए। स्टेट इलेक्शन कमीशन, जेड ए में इलेक्शन कमीशन है ना, जेड बी कहाँ लागू कराएंगे? यूनियन टेरिटरी में। जेड सी वो क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। जेड डी जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। जेड ई महानगर योजना समिति, और जेड ई के बाद एफ कंटिन्यूएंस रखो, और जेड जी वॉर टू इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स, तो कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए न्यायालय की, ठीक है। तो निर्वाचन संबंधी मामले, ये तो हैं आर्टिकल। देखो एक और चीज़ है, आपको 10 बार पढ़ना पड़े तो 10 बार पढ़ लो, कोई मुद्दा नहीं है, प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपका जो होमवर्क है, एक हमने आपको दिया था कि इनका ऑडिट कौन करता है, और ऑडिट करेंगे तो रिपोर्ट किसको देंगे, याद है? अब इसके आगे हम जो इसको कंप्लीट ही करेंगे, चूँकि बहुत हो गया पंचायत नगर पालिकाओं वाला मुद्दा, अब हम इसके अंदर जाएंगे। तो अंदर जाएंगे तो हमें क्या क्या पढ़ना है? पंचायती राज व्यवस्था है कैसी? तो 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत है, कौन कौन सा? सबसे पहले अरे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, यही 3 है। नगर पालिकाओं में भी 3-tier सिस्टम है। अब 3-tier सिस्टम की सजेशन किसकी थी भाई, किसने दिया था 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत? तो बलवंत राय मेहता, इसीलिए ने क्या कहते हैं, फादर ऑफ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत, या फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सुन लो अच्छे से, क्योंकि यही आते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक, फादर ऑफ 3-tier सिस्टम, बलवंत राय मेहता। और चूंकि 3-tier सिस्टम ने पावर को क्या किया, डिसेंटर किया, तो क्या हो गए, फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण के जनक के रूप में हम किनको जानते हैं? बलवंत राय मेहता को जानते हैं। क्लियर है आपको, समझ में आ रही है बात? तो ये जो बलवंत राय मेहता हैं, इन्होंने 3-tier सिस्टम और पंचायत की बात की, तो पंचायत का त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू हो गई, ठीक। और 3-tier सिस्टम सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर के बगदरा में, ठीक है। तो ये कब था? 2 अक्टूबर 1959 को। अब हम जो बात कर रहे हैं, 3 स्तर पर जो पंचायत है, पहला स्तर ग्राम पंचायत, दूसरा, तीसरा, अब म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका के स्तर 3। अरे भगवान, सही बताओ बस, उल्लू नहीं बनाना है। म्यूनिसिपैलिटीज कौन कौन सी होती? सिर फोड़ लो इससे, ये जो है ना, तो थोड़ा सही हो जाएगा, थोड़ा हिल रहा होगा ना। जनपद पंचायत, अभी पंचायत में पड़ी फिर आ गई। देखो अब समझो बात को, सबसे पहले नगर पंचायत, नाम जरूर पंचायत है लेकिन वो है म्यूनिसिपैलिटीज। कन्फ्यूजन यही करती है क्योंकि याद ही नहीं आती, नगर पंचायत की पता चले कि जनपद पंचायत। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर पढ़ाएंगे अभी आगे डिटेल में, इसको सुन लो आप, ज़्यादा लोड नहीं लेना। सबसे पहले विलेज पंचायत, जिसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। अब तो सीधा लिखो GRAM, ग्राम और पंचायत की पंचायत, दुनियादारी के चक्कर में नहीं पढ़ना। क्योंकि क्या होता है, विलेज लिखते हैं पता चले, अब ग्राम याद आती है, विलेज याद ही नहीं आ रही, तो ग्राम पंचायत। दूसरा जनपद, जनपद ही बोलो, जनपद पंचायत। और तीसरी जिला पंचायत। अब दूसरी तरफ जब हम जाते हैं तो क्या होती है, एक सबसे पहले नगर पालिका, नगर पंचायत। नगर पंचायत है लेकिन है वो किसके अंतर्गत?
म्यूनसिपैलिटीज़ में, तो नगर पंचायत, नगर पालिका, ठीक है, यानी म्यूनसिपैलिटीज़। और तीसरी होती है नगर निगम, जहाँ हम बैठे हैं भोपाल नगर निगम, BMC बोलते हैं, भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो तीसरा क्या हो गया, हम निचले स्तर से ऊपर पे जा रहे हैं, तो नगर पंचायत सबसे नीचे, फिर नगर पालिका, फिर नगर निगम, ये तीन स्तर होते हैं। तो इन तीन स्तर, अब फिर इनके अंदर जाते हैं, कितनी पंचायत है पंचायतों में। अब जैसे बहुत एक जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो उन्हें लग रहा था कि अभी आगे नहीं जाएंगे, तो मैं बता दूं, जैसे भाई पंचायत है, तो पंचायत के निर्वाचन होते कैसे, आप ही बताओ सीधे। पहले तो क्वेश्चन यहां से शुरू करो कि पंचायत में होते कौन कौन है। पंचायत जो होती है ना, पंचायत में एक कौन होता है, एक सरपंच, एक उप सरपंच, और एक, अरे यार सचिव, सचिव चुनाव से होता है, पागल बना रहे हो, हम ही मिले हैं, एक सरपंच, उप सरपंच और पंच, ठीक है, और पंचायत के सदस्य यही होते होंगे ना। अब आप मुझे पहले आप ही बताओ, मध्य प्रदेश में सरपंच के इलेक्शन कैसे होते हैं, सब वोट डालने जाते हो ना, मतलब अच्छे अच्छे रिश्तेदारों को बुला लिया जाता है, बोले चुनाव हो रहे हैं आ जाओ, दिल्ली भी रह रहे हो, अरे ताऊ जी खड़े हुए हैं सरपंच के चुनाव में, आ जाना, नहीं आए तो रिश्तेदारी खत्म, ऐसे ही होता है ना। अब अच्छे, भले आप, मैं बोल रहा हूँ ना, विधायक और सांसद के चुनाव में ना बुलाए कोई, लेकिन सरपंच के चुनाव में, क्योंकि क्या 10-20 लोगों का तो होता है ऊपर नीचे, बस उतने में ही तो खेल हो जाता है, किराया हम दे देंगे, गाड़ी हम भेज देंगे, इसी तरीके की चीज़ें होती ना मध्य प्रदेश में। तो आपको ध्यान रखना, सरपंच का कैसा होगा डायरेक्ट, अच्छा उप सरपंच, कभी देखे आपने कि डायरेक्ट बनते हो उप सरपंच, खड़े हो रहे हैं उप सरपंच पद के लिए फलाने उम्मीदवार, इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाइए, नहीं होता, यानी कि नहीं होते होंगे। तो फिर कौन, अच्छा इनके इलेक्शन कैसे होंगे, पंचायत के सदस्यों के इलेक्शन कैसे होंगे, पंचों के इलेक्शन कैसे होंगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, अरे डायरेक्ट होंगे, और इन्हीं में से पंचों में से कौन बन जाएंगे, उप सरपंच बन जाएंगे, समझ में आ रही ना। आते हैं दूसरे स्तर पर, दूसरे, अब अच्छा अधिकारी कौन, मुद्दा ये, तो अधिकारी या सचिव, जब फुर्सत में हो तो देख लेना पंचायत, बहुत बढ़िया सचिव की कहानी है, किसी ने देखी पंचायत, कितने लोगों ने देखी, एक दो तीन, कम लोगों ने देखी, बहुत एंटरटेनिंग है, और पहला वाला तो बहुत ही था, दूसरा वाला मैं ढंग से देख नहीं पाया, पता नहीं कैसा था, लेकिन पहला बहुत बढ़िया था, लौकी ले जाओ मतलब ऐसा चलता था, उसे लौकी से नफरत हो गई थी एक टाइम के बाद, चलो वापस आ जाओ। तो सचिव जो होते हैं ये अधिकारी होते हैं। तो पूछा जाता है पंचायत के स्तर पर ऑफिसर कौन, या ये बोले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन पंचायत। तो पंचायत में अधिकारी सरपंच नहीं है, अधिकारी कौन, वो सचिव साहब। जनपद में क्या होती होगी स्थिति, अब सिंपल से समझो, जनपद पंचायत बीच वाला स्तर, क्योंकि तीसरा जिला है सबसे ऊपरी, तो जनपद बीच में है। अब जनपद में फिर वही जनपद के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तीन ही तरीके की कैटेगरी है। तो जनपद के जो सदस्य हैं वो कैसे, आप तो ऐसे समझ लो किसी भी जगह के सदस्य ऑलवेज डायरेक्ट, तीनों स्तर पर जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत, तो डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक। तो जनपद के जो मेंबर होंगे वो कैसे, डायरेक्ट इलेक्शन। अब कौन बचे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो सिंपल सी बात है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनडायरेक्ट होते हैं। जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, और उपाध्यक्ष होते हैं इनडायरेक्ट। जैसे ऐसे समझो, आपके कोई भी जगह आप ले लो जहाँ जनपद पंचायत हो, मान लो वहाँ पे 20 मेंबर हैं, तो सदस्यों का चुनाव हो गया, अब उन्हीं 20 में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को, अब जिसके पास बहुमत होगा भाई, जिसके फेवर में 11 लोग होंगे वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन जाएंगे 20 में से, समझ में आ रही ना, क्योंकि आधे से अधिक चाहिए, अपने आप को भी वोट देता है वो, नहीं तो सोचो कि सर दो तो हटाई दिए 18 ही तो बचे, ऐसा नहीं है, वो भी तो वोट करेगा अपने फेवर में। अरे क्लास में मॉनिटर का चुनाव नहीं होता था, तो वहाँ भी बस वही समझ लो, वही कहानी है। तो जो सदस्य हैं उन्हीं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, तो इलेक्शन कैसा हुआ, निर्वाचन, सीधी बात है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। यही चीज एज इट इज जिला पे लागू कर दो, तो जिला पंचायत के मेंबर कैसे होंगे, डायरेक्ट। अच्छा अध्यक्ष उपाध्यक्ष कैसे होंगे, इनडायरेक्ट। क्या लॉजिक है, खत्म हो गया ये तो। अब यहां से थोड़ा अंदर जब जाते हैं तो इनमें कमिटीज होती हैं,
कि किसमें कौन कौन से नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, कौन पदेन सदस्य होते हैं, तो उन पे हम बात करेंगे। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पंचायतों के तीन स्तर हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होता है, ठीक है, सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट होता है। जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इनडायरेक्ट होते हैं, सदस्यों के चुनाव डायरेक्ट होते हैं। और जिले में कैसा है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनडायरेक्ट हैं और सदस्यों के चुनाव डायरेक्ट होते हैं, ये स्थितियाँ होती हैं। ऑफिसर पे हम बात करें, चूंकि आप ही को बनना है, तो आप ऐसे समझ लीजिए, ग्राम में तो पंचायत सचिव हो गए, जनपद पे कौन होंगे अधिकारी, अरे जनपद पंचायत सीईओ, और जिला पे कौन होंगे, तो जिला पंचायत सीईओ। सीईओ समझते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये जो सीईओ होंगे वो जनपद पे जनपद के होंगे, बस ये थर्ड क्लास होंगे, और जिले पे जो होंगे वो सेकेंड और फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर आईएएस को जिला पंचायत सीईओ बना के भेज देते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर के रूप में अगर हम देखें तो, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इनके ऑफिसर दोनों पे सीईओ, और यहाँ पे कौन, सचिव साहब पंचायत में। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो हमें आगे देखनी है। अभी इनमें और डिटेल है, जैसे हमने अभी संख्या नहीं बताई आपको, हालांकि अच्छी बात ये कि संख्या पूछ नहीं रहे। जैसे अभी पूछे, कितनी जिला पंचायत हैं वर्तमान में, जितने जिले होंगे उतनी जिला पंचायत, 17 जिला पंचायत है, क्या पढ़े अच्छा इलेक्शन कितनी जिला पंचायतों के लिए हुए थे, पक्का? और वर्तमान में जिला कितनी है, अब देख लेना कि कितने के लिए चुनाव हुए थे। अच्छा कितने नगर निगम के लिए चुनाव हुए थे, ठीक है, जब इलेक्शन हुए थे, देखो लास्ट ईयर इलेक्शन हुए, अब इलेक्शन हुए चूंकि तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब क्वेश्चन दो तरीके से, जब इलेक्शन हुए थे तब क्या स्थिति और अब क्या स्थिति। तो इलेक्शन कितने जिला पंचायतों के लिए हुए, दो और होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, बताइएगा कितनी डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो थी उनके लिए इलेक्शन हुए थे, एक, और वर्तमान में कितनी जिला पंचायतें हैं। दूसरा, कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम के लिए इलेक्शन हुए थे, और वर्तमान में कितने नगर निगम हैं, बताएंगे आप कल। क्वेश्चन समझ में आया, तो कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थे जिनके लिए इलेक्शन हुए, और कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम है जो वर्तमान में है। ऐसे ही पंचायत के लिए कर लेना, तो कितनी जिला पंचायत थी जिनके इलेक्शन हुए और कितनी जिला पंचायत हैं। थोड़ा आप भी पढ़ेंगे ना इस बहाने, इसलिए बताने को तो इतनी देर में हम उत्तर बता देते हैं आपको। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, 73rd अमेंडमेंट 1992 कब से लागू, 24 अप्रैल से, और इसे लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश, जबकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राजस्थान था, ठीक है। और किसकी रिकमेंडेशन पे, बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन पर आया था। इनमें अभी हम अंदर चलेंगे, क्योंकि क्या होता है जैसे पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, अब कल करेंगे, आज के लिए पर्याप्त है, ठीक। और कोई प्रश्न है किसी का, पूछना है बेटा आपको कुछ।